हाजिर हाँ दोस्तों सुचेतक स्टूडियो का प्रोग्राम इन्हीं दिनी लैके अज दे इस प्रोग्राम नू थोड़े सख्त किस्म के शब्दों नाल शुरू करन जा रहे हैं। शब्द बेशक मेरे नहीं पर शब्द कुछ सख्त ने। शब्द कुछ इस तरह के ने, संसद की ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी नू एक गधा दिता गया। उदा काम यह सी कि उन्हें घोड़ा बना दिता जाए। होया ये कि वह खच्चर बन गया। हुण गृह मंत्रालय का भार ढोण लई खच्चर ठीक है, पर जे गृह मंत्री समझते ने कि वह खच्चर ते बैठ के देश की प्रभु सत्ता ते अखंडता की लड़ाई लड़ लैणगे तो मेरा उन्हां दे नाल निम्रतापूर्वक मतभेद है। दोस्तों ये शब्द इस किस्म के ने कि जे अज की तरीक दे विच किसी ने भी बोले होंगे तो उन्होंने उत्ते देश द्रोह का मुकदमा हो सकता सी। जे मैं भी ये दसे बिना शब्द बोल दिंदा कि किसी होर दे ने मेरे उत्ते भी मुकदमा किया जा सकता सी, पर मैनू पता कि यह मुकदमा नहीं किया जा सकेगा क्योंकि ये शब्द जिन्हें ने बोले ने वह इस दुनिया तो जा चुके ने। तो साडे देश विच घट्टो घट इदा दा कानून तो हाले नहीं बनिया कि किसी जा चुके बंदे उत्ते भी देश द्रोह का केस दर्ज किया जा सके। वैसे भी ये शब्द देश के सबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दे ने, जेड़े उन्होंने 1967 दे विच इंदिरा गांधी दी सरकार वेले पार्लीमेंट दे विच बोले सन। जदों इंदिरा गांधी दी सरकार एक कानून लैके आई सी नक्सली लहर नाल निजिटण लई, जिस कानून का नाम है UAPA। और दोस्तों UAPA एक ऐसा कानून है जिस कानून की इन्हां दिनां दे विच बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और मन्या जा रहा कि इन्हां 7 सालां दे विच सब तो वध दुरवरतों जे किसी कानून की कीती गई है तो वह यही कानून है। इस हिसाब नाल कहना होवे तां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब नूं साबका प्रधानमंत्री मरहूम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्हां ने उन्होंने इन्ना अच्छा तोहफा दे दिता, उन्होंने विरासत में यह चीज़ मिली है। तो दोस्तों विरासत का इस्तेमाल किवें करना यह कुदरती गल है कि हर वारस ही तय करता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक सच्चे शिष्य वजो उसकी वरतों किवें करनी है साढ़े सामने 7 सालों के जाहिर कर दिता। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब न सबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होर भी जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उही सन जिन्होंने अरबन नक्सल वर्गा शब्द जान तो पहला साढ़े सियासी शब्दकोश दे विच जोड़ दिता सी। उही सन जिन्होंने इन शब्दों के सहारे दे नाल ग्रीन हंट प्रोग्राम करन दी कोशिश भी की सी जिहड़ा हो ना सकिया। पर दोस्तों एक गल बहुत पक्की है कि साढ़े देश दे विच जो वर्तारा चल रहा है वह सचमुच सोचण ते विचारन वाला। यह सारिया गल्लां मैं इस हालात दे विच कर रहा उस फैसले दे प्रसंग दे विच कर रहा जिहड़ा फैसला पिछले दिन 3 विद्यार्थियों की रिहाई नू लैके हाई कोर्ट वालों किया गया सी। दोस्तों तुहानू सारिआं नू पता कि हाई कोर्ट का फैसला आउण तो बाद भी बेल मिलण तो बाद भी जेल तो छुटकारा कुछ समय लिए नहीं सी हो सकिया क्योंकि दिल्ली की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया सी। दलील उहदी बिल्कुल हासो होणी सी कि जिन्हां विद्यार्थियों की रिहाई की जा रही है उन्हां विद्यार्थियों के एड्रैस की वेरीफिकेशन होनी हले बाकी है। हैरानी की गल है कि जिन्होंने पिछले एक साल तो जेल के रखा होया सी उन्हां दी वेरीफिकेशन पुलिस ने नहीं की। एड्डी लंबी जिहड़ी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की अदालत नूं इन्ने सफे उन्हां दे खिलाफ लिख के दिते गए इहदे विच पता नहीं वेरीफिकेशन किवें नहीं हो सकी, पर इस गल नूं सुप्रीम कोर्ट ने प्रवान नहीं किया। हाई कोर्ट ने भी बाद दे विच सख्ती वरती ते उन्हां 3 विद्यार्थियों नूं रिहा करना पिया। और इस तों बाद असी गल करदे हां उन्हां 3 विद्यार्थियों की जिन्हां दे विच नताशा नरवाल दिवांगना कालता ते आसिफ इकबाल तनहा शामिल ने। जिन्हां दोनों कुड़ियों की असी गल कर रहे हैं वह JNU दियां विद्यार्थिनां ने ते पिंजरा तोड़ अंदोलन के नाल जुड़िया हुई ने। जिहदा सीधा जिहा मतलब यह है कि मर्द प्रधान समाज के जिहड़ियां रोकां औरतों के उत्ते लाइया जांदियां ने उस पिंजरे नूं तोड़ना चाहुंदियां ने। इस तरह एक होर केस भी साडे सामने आया है जिस केस का संबंध खालिद सैफी हुरां नाल है और खालिद सैफी भी उस अंदोलन का हिस्सा सन जिस अंदोलन नूं ये 3 बच्चे लड़ रहे सन। उस अंदोलन दे विच
मुख्य लड़ाई यही सी कि भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिहड़ा भारत की नागरिकता देने लई मुस्लिम ते गैर मुस्लिम की लकीर खिंच के फैसला करेगा कि कौन इस देश का नागरिक बनने का हकदार है। और इस मामले दे विच सैफी हुरा ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। है दोस्तों किन्नी दिलचस्प गल है साडे देश दे विच कि जिहड़े पिंजरा तोड़न की गल करते ने इंसाफ के हवाले नाल उन्होंने पिंजरा तैयार हो जाता साडे देश दे न्याय व्यवस्था दे विच साडे देश दी पुलिस वल्लों। और जिहड़े लोग यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की गल करते ने उन्होंने उत्ते इस गल लई केस हो जाता कि उन्होंने नफरत भरे भाषण दिते जिहदे नाल दिल्ली दे विच दंगे फैल गए। पर एक गल बहुत दिलचस्प पै दोस्तों जिन्हां दे नां तक जाहर ने जिन्हां दियां वीडियो लोगों ने सारी दुनिया के सुनिया उन्होंने उत्ते केस नहीं किए गए क्योंकि वह सत्ताधारी पार्टी नाल जुड़े हुए सन। इस तो जाहिर हो जाता कि इस कानून की दुरवरतों किस हद तक पहुँच चुकी है। वैसे भी दोस्तों ये कानून एक ऐसा कानून है जिदे पुलिस को मनमानिया करन दी अथाह शक्ति है। और दूसरे पासे जिहदे उत्ते ये कानून लागू हो जाता है उहदे कोले किन्ना मर्जी अच्छा वकील क्यों ना होवे उहदे हक दे विच किन्नियां भी सच्चाइयां क्यों ना खड़ियां होण इहदे बावजूद वह जेल तो बाहर नहीं आ सकता जदों तक अदालत पुलिस नूं मत देण वाले रुख दे उत्ते नहीं आ जाती उहदी सार लैण दे लई अदालत सामने नहीं आ जाती। हुण भी हाई कोर्ट का फैसला आउण तों बाद ही ये तीनों विद्यार्थी बाहर आ सके ने। और जिस सिचुएशन दे विच बाहर आए ने वो अपने आप दे विच दिलचस्प गल है। हाले असी खुशी ही मना रहे सां कि हाई कोर्ट ने इन्ना अच्छा फैसला दे दिता। और इस फैसले का अगों जिहड़े लोग इदां दे केसां दे विच फसे ने उन्हां दे लई बहुत फायदा हो सकता। एन उदों सुप्रीम कोर्ट ने एक निराश करन वाली टिप्पणी भी कीती है खास करके पुलिस की उस अपील उत्ते जिहदे विच कहा गया सी कि इन्हां नूं हाल दी घड़ी रिहा ना कीता जावे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह है कि इस फैसले नूं हाई कोर्ट के इस फैसले नूं अगां वाले फैसलों के मिसाल के तौर पर नहीं वरत्या जा सकता। इहदा मतलब यही है कि पुलिस नूं सुप्रीम कोर्ट वल्लों टेढ़े तरीके दे नाल थोड़ी जी राहत जरूर दे दित्ती गई है। पर जदों दोस्तों खुशी के माहौल बने हुए सी हर एक नूं लग रहा सी कि हालात चंगे ने उन्हां दिनां दे विच तनहा दी अम्मी नूं जदों बीबीसी वालियां ने पुछया है कि वह की फील करदे ने जमानत मिलने तो बाद तां उन्हां ने यही कहा कि मेरी तो यही इच्छा है कि जिवें हाई कोर्ट नूं गल समझ आ गई साडे बच्चियां दी है उस तरह सुप्रीम कोर्ट नूं भी साडे बच्चियां दी गल समझ आ जावे। इस तरह की गल जिहड़ी बहुत दिलचस्प आ वह यूनाइटेड अगेंस्ट हेट दे नाल जुड़े हुए सैफी साहब की बीवी नरगस सैफी ने भी की। उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट तो बाद सुप्रीम कोर्ट की कहती है ये तो वह माने खेस गल साडे लई ये है कि हाई कोर्ट ने की फैसला दिता। पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद टिप्पणी तो बाद फैसला तो हाले नहीं आया। टिप्पणी तो बाद एक गल जरूर होगी कि जिहड़ी चीज़ बहुत माने खेज मनी जा रही थी वो एक हद तक ज अद्धी पचद्धी तो माने खेज नहीं रह गई। पर जिस तरह के हालात साडे देश दे विच बने हुए ने जिन्ना सख्त फैसला हाई कोर्ट ने दिता सी वो सचमुच खुशी देने वाला भी है और टिप्पणी सचमुच निराश करने वाली भी है। यह गल नूं असी बहुत लंबी नहीं लैके जानी चाहवांगे। अंत दे विच मैं थोड़े नाल एक दक्षण दे कन्नड़ फिल्मों दे अदाकार की गल करांगा। और उस अदाकार की गल इस करके की जा रही है कि वह एक्टिविस्ट अदाकार है ना उन्होंने चेतन कुमार है। दिलचस्प गल है कि वह अपने नाम ही चेतन ने ते बहुत सारे सवालों के उत्ते टिप्पणियां करते रहते हैं। पिछले दिन उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कीतियां। उन्होंने कहा कि साडे देश दे विच महात्मा बुद्ध नूं जिवें विष्णु का अवतार बनाए जाने की कोशिश की जा रही है ब्राह्मणवाद वालों यह गलत है। और उन्होंने इन्ह टिप्पणियों बेस बना के ही उन्होंने खिलाफ एक केस कर दिता गया जिदे उत्ते बहुत सारी बहस दक्षण के उस राज दे विच चल रही है। बेंगलुरु की पुलिस उन्होंने वार बार पूछ पड़ताल कर रही है। पर मामला यह है कि असी जिहड़ी गल कहनी चाहते हाँ वो यही है
कि चेतन कुमार के इस फैसले तो बाद जेडे चेतन कुमार 2007 दे विच पहली बार स्क्रीन पर दिसे और बहुत वड्डे स्टार बन गए। पिछले दिन ही उन्होंने कुछ होर फिल्मां भी बहुत चलिया, अचानक एक फिल्म नहीं चली तो उस तो बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिता कि वो राजनीतिक विचार कुछ होर तरह के ने, इस करके लोगों ने उन्होंने नापसंद कर दिता। पर दोस्तों जे असी पिछले दिन राधे जी रिलीज़ हुई है सलमान खान की उन्होंने गल करिए उन्होंने कोई राजनीतिक इदा के विचार नहीं, पर फिल्म मुद्दे मूँह डिगी, पर यह भी एक फैक्ट है कि ये बावजूद उन्होंने स्टारिज्म जोड़ा तो उस तरह ही कायम रहेगा। अंत के जी गल मैं थोड़े तो नाझी करनी चाहना कि पंजाबी भाषा के साडे सिनेमे के अंदर कोई ऐसा एक्टिविस्ट अदाकार निर्देशक है जिंद असी गल कर सकी। साढ़े को दोस्तों जे असी कला की दुनिया के गल करनी हो इकलौते गुरशरण सिंह ने जिन्होंने असी एक्टिविस्ट अदाकार कह सकते हैं, एक्टिविस्ट निर्देशक कह सकते हैं, एक्टिविस्ट नाटककार कह सकते हैं। हाल की घड़ी साढ़े कोई होर नहीं, शायद इतिहास भविख दे विच सानू कोई एक होर इस तरह का गुरशरण सिंह दे देवे। जिवें इन्हां दिनां दे विच हुणे डैथ हुई है सरदार मिल्खा सिंह होर की, जिहड़े बहुत वड्डे दौड़ाक सन, उन्हां दी अंतम इच्छा यही सी कि कोई होर मिल्खा सिंह पैदा होवे जिहड़ा देश दा नां चमकावे। पर दोस्तों इंसाफ की लड़ाई दे विच असीं इह भी कहांगे कि कला की दुनिया दे विच कोई होर गुरशरण सिंह भी आवे जिहड़ा साडी लड़ाई नूं होर अगे लैके जा सके। इहदे नाल ही असीं अज दा प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करदे हां, फिर मिलांगे तुहानूं अगले बुधवार अपने मिडवीक प्रोग्राम दे विच। मैं शब्दीश थोड़े तो आग्या लैना और फिर मिलते हैं सुचेतक स्टूडियो दे इसे प्रोग्राम दे विच इन्हीं दिनी बुधवार दे दिन। थैंक यू।